जरा सोचिए, एक दिन आपको एक ऐसा सूटकेस मिले जिसके अंदर सामान नहीं बल्कि एक जिंदा आदमी हो। कहानी की शुरुआत में जस्टिन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पर अपने बैग का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे एक काले रंग का सूटकेस दिखाई देता है और जस्टिन समझता है कि यह उसका ही बैग है और वह उसे उठाकर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद जस्टिन टीवी ऑन करके देखने लगता है कि तभी वह देखता है कि वह बैग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और बैग में से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। जस्टिन जब बैग खोलता तो वह देखता है कि उस बैग के अंदर किसी ने बुरी तरह से एक आदमी को तोड़ मरोड़ कर फिट कर रखा था। वह आदमी जस्टिन को उसका सर बाहर निकालने के लिए कहता है। वह आदमी काफी दर्द में था तो जस्टिन उसे कहता है कि वह उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन वह आदमी कहता है कि कोई भी हॉस्पिटल उसकी मदद नहीं कर सकता। वह आदमी जस्टिन से कहता है कि अगर वह उसे बैग से बाहर निकाल देगा तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे ही जस्टिन उस आदमी का एक पैर बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वह और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है, और जैसे वह आदमी चिल्लाता है तो उसके मुंह से एक सोने का सिक्का बाहर निकलता है। तब वह आदमी जस्टिन को बताता है कि उसे एक बीमारी है जिसके चलते वह जब भी दर्द में होता है तो उसके मुंह से सोना निकलता है। वह आदमी जस्टिन से कहता है कि वह उसे दर्द देकर जितना चाहे उतना सोना निकाल सकता है, और जब वह उस आदमी को बाहर निकाल देगा तो वह उसे सारा सोना इनाम में दे देगा। अगले दिन जस्टिन उस सोने के सिक्के को बेचने के लिए दुकान पर जाता है, लेकिन वह आदमी जस्टिन को बताता है कि वह सिक्का काफी पुराना है और सिक्का बेचने के लिए उसे यह प्रूफ देना होगा कि यह सिक्का उसी का है, ना कि उसने किसी से चोरी की है।